नमस्कार, मैं हूं महक बख्शी और मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं ऋषिकेश लाइव न्यूज। और अब वक्त है आज के मुख्य खबरों का। आशा कर्मचारियों की आशा तय हो न्यूनतम वेतनमान, अव्यवस्था से ऋषिकेश की सड़कें बेहाल, हस्ताहाल है राम झूला, लक्ष्मण झूले पर बंदरों का आतंक, ऋषिकेश बना योग का लोकप्रिय केंद्र और पर्यटकों की पहली पसंद बने ऋषिकेश के स्थानीय बाजार। देश भर में प्रसव से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं में आशा वर्कर्स की भूमिका अहम रहती है, लेकिन इस काम के बदले मिलने वाली राशि से ये लोग नाखुश हैं। हमारे संवाददाता ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में काम कर रहे आशा वर्कर्स से बातचीत की। पेश है ये रिपोर्ट। यह ऋषिकेश का एक सरकारी शांति प्रपन्न शर्मा चिकित्सालय, जो कि ऋषिकेश का अकेला सरकारी अस्पताल है। यहाँ मरीजों का सुबह से आना जाना लगा हुआ है, जिससे अस्पताल व्यस्त है। लेकिन सबसे अधिक व्यस्त हैं वे आशा वर्कर्स, जिन्हें अस्पताल के भीतर और बाहर दोनों ही तरफ ध्यान रखना होता है। आशा यानी अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यह एक स्वास्थ्य समुदाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मिशन के तौर पर 2005 में शुरू किया गया था। इसमें कार्य करने वाली महिलाएँ ही होती हैं। इन कार्यकर्ताओं की सेवाएँ प्रसव से पहले और प्रसव हो जाने के एक साल तक, जब तक शिशु का टीकाकरण होता है, ली जाती है। इनका कहना है कि जो राशि इनको प्रसव के बाद दी जाती है, वह एक न्यूनतम वेतनमान में तब्दील हो। मेरे विचार में तो बार बार एक ही बात आती है कि हम लोग जितना काम करते हैं, काम के हिसाब से हमें पैसा नहीं दिया जाता। हर आशा बार बार यही बात बोलती है, लेकिन कोई सुनाई भी नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारा मानदेय रखा जाए, चाहे थोड़ा रखा जाए, पर हमें संतुष्टि हो जाए कि कुछ तो शुरुआत किया जाए। ना जाए तो 5,000 ही रखा जाए, 5,000-6,000 ही रख दे। लेकिन हमारी इस बात को आज 10 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। आंगनवाड़ी को 6,000 दे दिया, पेशेंट को दिया जाता है। मानते हैं आप अपना हॉस्पिटल चला के काम करते हो, लेकिन ये देखा कि मोटिवेट कौन करता है, इसको यहाँ पर लाता कौन है, पूरे 9 महीने कौन ध्यान देता है। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसका पैसा बढ़ाया जा रहा है। उसको केवल 400 ही डिलीवरी पे दिया जाता है, आशा के बेस पे ही हॉस्पिटल चल रहा है। ये बात को नहीं मानते। अगर कोई ध्यान से देखे, अगर आशाएं सारी जितनी हैं ग्रामीण की, शहरी टीसी पर जो भी हमारा सिटी पड़ता है, अगर हम सब बंद कर दें तो हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आशा कर्मचारी अपना कार्य बखूबी से निभा रही हैं, तो उनके उत्साह में कुछ कमी यहाँ आती है कि उनको अस्पताल द्वारा जो राशि उपलब्ध कराई जाती है वो 500 रुपये से भी कम है, जो कि बहुत ही हताशा की बात है उनके लिए। देखते हैं आने वाले समय में सरकार उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उनको क्या क्या सुविधाएं देती हैं। मैं कुमुद, कैमरामैन दुशांत के साथ, ऋषिकेश लाइव न्यूज़ से। ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था ने वहाँ के प्रशासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऋषिकेश के मशहूर त्रिवेणी घाट के निकट घाट चौक के आसपास के इलाके में सड़क यातायात व्यवस्था में अस्त व्यस्तता का साम्राज्य स्थापित हो गया है। यातायात की अव्यवस्था ने न सिर्फ स्थानीय जनजीवन बल्कि देशी विदेशी पर्यटकों के भीतर भी एक नकारात्मक प्रभाव को उभारा है। 21वीं सदी का भारत, जहाँ एक तरफ विकसित देश बनने का सपना देख रहा है, वहीं हमारी सिविक सोसाइटी का हल चिंता का विषय बना हुआ है। और ये ट्रैफिक वालों ने क्या कर रखा है, 2-3 महीने से बाहर का आवागमन एकदम खत्म कर दिया है। हम लोग रोजी रोजगार कैसे, हम लोग का रोजी रोजगार चलेगा। घाट चौक सहित मशहूर सड़कों पर पार्किंग की सुविधा के अभाव के कारण न सिर्फ यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच अपने वाहनों के प्रति डर भी बढ़ रहा है। और यहाँ का ट्रैफिक रूल मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब टूरिस्ट वगैरह आते हैं ज़्यादा यहाँ पर, और टूरिस्ट आने की वजह से मतलब हमको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। 2-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स सब ज़्यादा है, मतलब पार्किंग हम चाहते हैं कि पार्किंग हो तो हमको एक सेफ जगह मिल जाए कि हम गाड़ी अपनी खड़ी कर सकें। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि गाड़ी हम पार्क करते हैं कहीं पर तो एकदम से कोई टक्कर मार के चला जाता है हमारी गाड़ी को, और गाड़ी इसमें मतलब स्क्रैच वगैरह सब पड़ जाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं भारत की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में। ये चौराहा घाट चौराहे के नाम से मशहूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक की अव्यवस्था की वजह से न सिर्फ स्थानीय बल्कि पर्यटकों, देश विदेश दुनिया भर से आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेड लाइट्स, 2-4 दिनों के मेहमान हैं यहाँ पर, 2-4 दिनों तक जलने के बाद रेड लाइट्स यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक का नियम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप जैसे जैसे आना चाहें आ सकते हैं, हेलमेट लगाने की कोई बाध्यता नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे लोगों ने बताया है कि पार्किंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गाड़ी को कहीं भी खड़ा करके जाना पड़ता है। इसके वजह से उनकी गाड़ियों की असुरक्षा हमेशा बनी रहती है।
कैमरामैन दुशांत के साथ मैं प्रवीर कुमार, ऋषिकेश लाइव न्यूज। ऋषिकेश की खूबसूरती की ओर सभी आकर्षित होते हैं, मगर प्रशासन का ध्यान कभी इसकी सड़कों की हालत और गड्ढों पर नहीं गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। ऋषिकेश का नाम सुनते ही जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है वो है लक्ष्मण झूला और राम झूला। ऐसे में राम झूले की जर्जर हालत निश्चित रूप से स्थानीय लोगों सहित उत्तराखंड पर्यटन के लिए विचारणीय पहलू है। जगह जगह गड्ढे और संरचना का बिखराव राम झूला की बुनियाद को कमजोर कर रहा है, जो भारत की इस विरासत के लिए आज चुनौती बन गया है। ये लक्ष्मण झूले के पुल का हाल कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। ये ऐसे यात्री सारे परेशान हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं, जाम लग जाता है, कोई स्कूटर नहीं ला पाता, कोई जाम नहीं हटा पाता। इस चक्कर में पूरा ऋषिकेश परेशान है। इन चक्कर टूरिस्ट ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते और बहुत सी पब्लिक इसी चक्कर में परेशान है। ऋषिकेश प्रसिद्ध है दो ही चीज़ों के लिए, एक राम झूला और एक लक्ष्मण झूला। बात करें अगर हम राम झूले की, तो मैं आपको राम झूले का इस वक्त का सूरत हाल दिखाना चाहूँगा कि इस समय क्या हालात हैं राम झूले के। यहाँ पर जो राम झूला है उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है, यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं जिसमें चलने में दिक्कत होती है लोगों को। बाइकें आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइकें गड्ढे की वजह से रुक जाती हैं, वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ तक बात है इसके सुधार की, प्रशासन यहाँ पर गहरी नींद में सोया हुआ है और इसकी वजह से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन की नींद आगे भी खुलेगी या ये ऐसा ही सूरत हाल यही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं आकाश रावल, ऋषिकेश लाइव न्यूज। आए दिन ऋषिकेश में बंदरों के आतंक की खबरें आती रहती हैं। बंदरों का आतंक स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर बंदरों का आतंक आज कोई नई बात नहीं रह गई है, पर यह आम दिखने वाली बात खास तब हो जाती है जब बंदर अपने स्वभाव से विपरीत इंसानी आबादी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास देखने को मिल रहा है। और यहाँ गंदगी वगैरह बहुत होती है, फैलाव होता है, उससे जो है ना बंदर जो है बच्चों को छीन लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं, कभी कभी काट भी लेते हैं। सरकार जो है बंदरों के लिए कोई रोकथाम नहीं कर रही है, रोज बच्चों को नुकसान हो रहा है, इससे कृपा करके इसका संविधान निकाला जाए। There has to be some solution with the monkeys, try to maybe take them away from here, just make a nice environment for the people and for the tourists that come here. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश का फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। पर आजकल लोगों के यहाँ पर एक समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जो है बंदरों की समस्या। बंदरों ने आजकल यहाँ आतंक मचा रखा है और अभी भी लोगों को उससे निजात नहीं मिली है। देखना होगा आने वाले समय में बंदरों से लोगों को निजात मिलती है या नहीं मिलती। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आशीष, ऋषिकेश लाइव न्यूज। ऋषिकेश सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं बल्कि एक योग स्थल भी बन चुका है, जहाँ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और योग का लाभ उठाते हैं। इसी से जुड़ी पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाने वाला सांस्कृतिक प्रतीक योग ऋषिकेश के विदेशी पर्यटकों के आकर्षण की रीढ़ रहा है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक यहाँ महीनों रहकर योग सीखकर इस माध्यम से भारत को समझने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, जो न सिर्फ स्थानीय उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग के प्रोत्साहन और योग दिवस मनाने की शुरुआत जैसी पहल के बाद आजकल युवाओं के बीच भी योग खासा लोकप्रिय हो रहा है। AYM स्कूल ऑफ योगा, ओमकारानंद योगा क्लासेस ऋषिकेश के प्रमुख योगा केंद्र में से हैं। यहाँ सुबह के 5 बजे से शाम के 6 बजे तक अलग अलग समय पर योगा के अनेक सत्र चलाए जा रहे हैं। And I just came here for a yoga program online. We looked up this was seen as like one of the top programs in Rishikesh. So we decided to pick Shiva Yoga Peeth and representing the god Shiva, which is I like Shiva. So really healthy. It's a healthy style of life. And if you're trying to reach an equilibrium controlling yourself, controlling your body, knowing when to feel emotions, knowing when to speak, knowing when to consume what, then go for it. I mean, it just increases your self-awareness. Yeah, I want to study in yoga
try looking for so many places, but I heard the Rishikesh is a source of the yoga place. So also it's very spiritual and it's calling. So I just choose, I want to learn everything from the base. So that's why I choose this place. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आ गया हूँ ऋषिकेश के AYM योगा स्कूल में। ये एक ऐसा संस्थान है जो ऋषिकेश में योगा के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। योगा के लिए ऋषिकेश वैसे भी योगा सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भारतीय पर्यटक ही नहीं, विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। बड़ा हुजूम आता है विदेशी पर्यटकों का योगा के लिए। योगा के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित ऋषिकेश में, आने वाले टाइम में उम्मीद है कि बहुत सारे इसी प्रकार के योगा स्कूल, योगा आश्रम खुलेंगे और जहां पर विदेशी पर्यटक आके लाभ उठाकर जा पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं आकाश रावल, ऋषिकेश लाइव न्यूज़। देवनगरी ऋषिकेश अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और साथ ही सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं आके बाजार। जल और जंगल के इस धनी ऋषिकेश का स्थानीय बाजार यहाँ के हस्तशिल्प से भरा पड़ा है। मुख्यतः लकड़ियों से निर्मित हस्तशिल्प के अलावा यहाँ रंग बिरंगे कपड़ों और मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ देशी विदेशी पर्यटकों को सम्मोहित कर ले जाती हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ वुडन आर्ट हाउस में, जो कि म्यूज़िक के सामान के लिए, सजावट के सामान के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध दुकान है। और हमारे साथ हैं शिव कुमार जी, इस दुकान के ओनर। आइए हम उनसे जानेंगे कि किस चीज़ के लिए, क्या खासियत है इस दुकान की, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या मुख्य आकर्षण है इस दुकान का, ये जानते हैं। शिव कुमार जी, आपकी दुकान कब से है? मेरी दुकान यहाँ पर 1982 से है। पहले मैं छड़ियों का काम करता था बुज़ुर्गों लोगों के, उसके बाद ये 10 साल पहले मैंने काम करा। तो पहले आप जब छड़ियों का काम करते थे, उस वक्त से और अब तक में क्या क्या बदलाव आए हैं? 10 साल में कितना मार्केट डेवलप हो गया? 10 साल में डेवलप तो बहुत हो गया है। पहले यहाँ पर जंगल ही जंगल था, 20-22 गाड़ियाँ चलती थी, आज 350 गाड़ियाँ चलती हैं। अब मतलब जगह जगह हर एक शॉप बन गई हैं, होटल बने हैं, रेस्टोरेंट बने हैं। जब से ये फॉरनर लोग आने चालू हुए हैं, जब से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट के बाद से बहुत ज़्यादा प्रतिशत बढ़ावा आया है पर्यटकों में। आप ये बताइए, पर्यटक जो आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं और भारतीय भी आते हैं, इसमें आपकी दुकान में क्या मुख्य आकर्षण है, क्या किस चीज़ के लिए ज़्यादा खरीदारी? फॉरनर लोग जो होते हैं, गिटार लेते हैं, आपका हारमोनियम लेते हैं, सिंगिंग बॉल लेते हैं, जो भी चीज़ उनको पसंद आती है फिर वो लेते हैं। और इसमें आप हैंड क्राफ्टेड क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जो आप खुद अपना हैंड क्राफ्टेड कोई सामान नहीं खुद? अच्छा। और इसमें म्यूज़िक के सामान में आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सेल करते हैं? मैं बंसरी के सेल करता हूँ, गिटार सेल करता हूँ, मृदंग करता हूँ, हारमोनियम करता हूँ, माउथ हार्म करता हूँ, ये आपका मंजीरा करता हूँ। आप बताइए कि आप प्रशासन से और जो मार्केट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे क्या और उम्मीद रखते हैं कि किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, टूरिस्ट को और प्रोत्साहित किया जाए कि और टूरिस्ट आए? भाई, बढ़ावा तो ये दिया जाता है कि भाई साफ़ सफाई होनी चाहिए प्रशासन से, तो हम यही मांगते हैं साफ़ सफाई। धूल मिट्टी इतनी है, गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, इतनी तेज चलती हैं कि पूछो मत। और बारिश के मौसम में यहाँ पानी का रुकावट की, इन सब की दिक्कत, पानी के टाइम में रुकावट आ जाती है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देता। 10 साल पहले में और अब में ये फ़र्क तो आया है कि थोड़ा डेवलप हुआ? हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा विशेष करके हुआ है, दोनों टाइम स्वीपर आते हैं। और ये सीज़न के हिसाब से आते हैं, मतलब कौन से सीज़न में ज़्यादा पर्यटक आते हैं और किस समय ऑफ सीज़न? पर्यटक तो इंडियन आता है अप्रैल के बाद, जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, जून जुलाई तक। उसके बाद सावन का मेला चालू हो जाता है, कांवड़िए आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, और उसके बाद फॉरनर चालू हो जाते हैं। शॉप कब से है? हम 3 साल से हैं यहाँ पे, और 3 साल से ही शॉप लगाते हैं। काफ़ी अच्छा काम है हमारा, और फॉरनर्स, इंडियंस सभी बहुत पसंद करते हैं हमारे काम के। हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा एक मान लीजिए बोलबाला है, बाहर से जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो बहुत ही चाप से ये सब चीज़ें लेते हैं। तो आप ये बताइए, क्या स्पेशलिटी क्या है आपके हैंडीक्राफ्ट की, क्या सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है? ज़्यादातर कुशन्स, कवर, बैग्स, वॉल हैंगिंग्स, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल करते हैं।
तो ये थी नीतू जी जिनसे हमने जाना कि क्या लोकल मार्केट का क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसके बावजूद यहाँ पर भारी हुजूम आता है और किस तरीके से तांता लगा रहता है यहाँ पर भारी पर्यटकों का आने का। तो मैं आकाश रावल, कैमरा पर्सन आशीष के साथ, ऋषिकेश लाइव न्यूज़। कल्चरल प्रोग्राम ऋषिकेश टूर का एक अहम हिस्सा होता है जिसमें छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया ग्रुप जी और एन के मेंबर्स ने। ग्रुप जी और एन के कल्चरल प्रोग्राम की थीम थी इडियट बॉक्स, जिसमें चाहे डांस हो, गायकी हो या योगा, ग्रुप जी और एन के मेंबर्स ने दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ दी। प्रोग्राम की शुरुआत हुई चंद्रकला के खूबसूरत नृत्य के साथ और उसके बाद विवेक दुबे ने सभी को अपनी कविता से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं दूसरी ओर स्वनिमेश राज ने अपनी योगा मुद्राओं से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और आखिर में इडियट बॉक्स के इडियट्स ने एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रोग्राम के अंत में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड स्वनिमेश राज को अपनी अनोखी योगा मुद्राओं के लिए मिला, जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड के साथ साथ दर्शकों से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। वहीं दूसरी ओर चंद्रकला चौधरी को उनके बेहतरीन नृत्य के लिए बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड से भी नवाजा गया। चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आशा कर्मचारियों की आशा, तय हो न्यूनतम वेतनमान। अव्यवस्था से ऋषिकेश की सड़कें बेहाल। हस्ताहाल है राम झूला। लक्ष्मण झूले पर बंदरों का आतंक। ऋषिकेश बना योग का लोकप्रिय केंद्र और पर्यटकों की पहली पसंद बने ऋषिकेश के स्थानीय बाजार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऋषिकेश लाइव। नमस्कार।